to festive forever. So yes, today I'm at BKC again. So today I'm going to take you guys to this place called Butterfly High. So what attracted me towards this place is their decor and ambience. So what about the food? For the food, we are going to go inside and explore some amazing options for you guys which you can totally consider. So let's go. So guys, we have called for our first dish. This is broccoli almond bunny cha. So I've called for this because of course first it's super cute और ये जो soup है वो हमें bun के साथ मिला है. So here we have bun and then there are some broccoli. I think it must be sorted or something, but then here we have some broccoli and then here we have our soup and then you can see कि bun के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा chili flakes और सब लगाया है and it's very crispy. So now I'm just gonna pour the soup inside of this bowl. I meant bun. Oh my god, this is super cute. Now let's just try this out. आमंड का काफ़ी हल्का सा फ्लेवर है. इट्स नॉट डोमिनेटिंग एंड सूप इज़ वेरी थिन, यू कैन से. टेस्टी भी लग रहा है. ब्रोकली का बहुत अच्छा टेस्ट है एंड देन हियर वी हैव सम ब्रोकली इनसाइड ऑल्सो. सो आई एम जस्ट गोना ट्राई दैट इज वेल. आमंड के भी छोटे छोटे पीसेस है इसमें, सो दैट मेक्स इट हेल्दी ऑल्सो. सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू कंसिडर दिस ऑप्शन, टोटली आई विल से गो फॉर इट बिकॉज इट्स सुपर टेस्टी. एंड जैसे ब्रोकली सूप जनरली होता है बट बहुत ही ज़्यादा क्रीमी नहीं है. मोस्टली जो ब्रोकली सूप्स होते हैं वो काफ़ी क्रीमी होते हैं. सो हियर यू कैन नॉट रियली फील क्रीमी बट देन द टेस्ट ऑफ इट इज़ रियली गुड एंड आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बन एंड सूप दे हैव नेल्ड इट. सो आई रियली लाइक्ड इट. सो गाइज हियर वी हैव अ सेकेंड डिश, दैट इज फुल चिकन सुक्का मसाला डोसा इन टाकोस. सो आई एम गोना ट्राई वन ऑफ दिस. ओके, दिस इज डेफिनेटली फिल्ड विद लॉट्स ऑफ चिकन. एज यू कैन सी इट्स गोना बी अ टास्क हाउ टू ईट इट. कोकोनट का इसमें फ्लेवर है, सो आई कैन टेस्ट अ लॉट ऑफ कोकोनट इन इट. चिकन इज वेरी कुक्ड प्रॉपरली आई वुड से, इट्स नॉट ड्राई एट ऑल. देन थोड़ा सा स्पाइसी भी है, आई कैन टेस्ट दैट इट्स लिटिल स्पाइसी. लाइक इन टोटल आई वुड से दैट द डिश इज रियली गुड. इसमें चिकन काफ़ी से अच्छे से पकाया है. इसमें थोड़ी सी चटनी भी है, if you guys can see, and then there is curry patta ka bahut hi acha flavor aa raha hai. Here there is some coriander, some coconut, and then some chicken sukka is nicely made. Here we have curry leaves which gives a south indian feeling. Bahut hi acha flavor hai isme.
स्पाइसी भी है, थोड़ा सा मसाला भी है विच मेक्स इट वेरी स्पाइसी, बट देन कोकोनट का क्वांटिटी बहुत ही अच्छे से डाला है. सो योर यू कैन फील यू नो कि पूरी साउथ इंडियन डिश है. एंड देन देर इज़ डोसा ऑल्सो. सो ऑल इन ऑल आई लव्ड इट, इट्स सुपर गुड एंड सुपर टेस्टी. सो फॉर द थर्ड डिश वी हैव कॉल्ड फॉर मिनी ब्लू चीज कुल्चास, एंड हियर वी हैव आई थिंक दिस इज कोरिएंडर चटनी, देन आई थिंक दिस इज सॉस एंड दिस शुड बी मस्टर्ड सॉस. सो आई एम जस्ट गोना ट्राई टू कन्फर्म ऑल दीज थिंग्स. चीज, आई थिंक चीज़ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर है एंड आई कैन फील चीज़ थोड़ा सा कम है बट कंपेरेटिवली. नाउ लेट मी ट्राई ऑल द डिपिंग्स दैट वी हैव. सो दिस इज कोरिएंडर मिंट चटनी विच इज लिटिल सा एंड इट्स नॉट स्पाइसी दो. दिस इज स्वीट एंड चिली सॉस. चिली और स्वीट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. एंड द थर्ड वन दैट वी हैव ओवर हियर थोड़ा सा स्पाइसी भी है. सो द कॉम्बिनेशन इज ऑफ टैंगी एंड स्पाइसी. बट आउट ऑफ ऑल दीज थ्री आई थिंक इटली लाइक दिस वन. कुल्चा इज गुड बट आई थिंक चीज इज लिटिल लेस, अदरवाइज इट्स गुड. Guys, we have called for one of my favorite thing. Can you guys guess what it is? Biryani. This is chicken biryani, and I'm gonna dig into it without wasting any time. I love biryanis, and it's one of my favorite things. The smell, it's so divine. It's good. Chicken is really tender. Spices are apt. Not too much, not too less. Ekdam jitne spices hone chahiye, utne hi spices hai. Then there is fried onions and coriander. एंड स्पाइसिस का भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है. आई लव्ड इट, आई डेफिनेटली लव्ड इट. टू गुड. सो हियर वी हैव रायता. लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई. रायता के साथ भी बहुत अच्छा आ रहा है. ओह आई थिंक देयर वाज ग्रीन चिली इन रायता. अनियन भी है, देयर इज सम कोरिएंडर, देन देयर आर सम क्यूकम्बर. सो ऑल इन ऑल इट्स टू गुड, आई लव्ड इट. सो गाइज, एज यू ऑल नो दैट वी ऑलवेज कॉल फॉर समथिंग फॉर आर स्वीट एंडिंग. सो टुडे आई हैव कॉल फॉर टू डिजर्ट्स. वन इज मारियोज डिस्कवरी, सुपर क्यूट. एंड the other one is baklava. If you know that it's for Turkish cuisine, so let's just try first this one. I'm gonna try this cute little mushroom that we have here. Okay. It's a wafer and then quite sweet. Normal chocolate cake, and here there's some frosting. This is whipped cream. Here we have the white one, and here we have the chocolate one. Yeah, it's nice. Now I'll try the other one, baklava. If you guys know that it's from Turkey, it's a Turkish cuisine. It's filled with pista, definitely. Here we have some chocolate. Okay, both the dishes are quite good, and I didn't like it that much, but I think
if I have to choose between one of it, so I would definitely go for this one, then this one. So I'm gonna enjoy my sweet dessert over here and see you for my ratings. So guys, we have come to the end of this vlog and now we are gonna rate this place on our festive meter. So if I want to really talk about this place all in all, so the place is really good, decor is really amazing, and vibe of this place is superb, and definitely the food is also really good. I have a personal feeling that if you guys come in the evening, this place will be more happening and vibrant. So if you guys are considering lunch or dinner, then definitely you guys should consider coming in the evening. And the staff is really good, and I think prices are also quite okay. Like one dish would cost you around 300 to 350 and everything else is also good, the staff, the ambience and overall vibe of this place. So I have considered all the factors and I'm gonna rate this place 8 on 10 on my festive meters. So I have given this place 8 on 10 because when I called for the desserts, I was expecting more from it, but then both the desserts were really average and not that great. So that's why I have given 8, otherwise I would have given this place 9. Otherwise everything else is good. I hope you enjoyed this vlog. If you guys are new to my channel, do subscribe to my channel, and if you guys have any suggestion regarding any place that, or you know, where you want me to go, so just leave it in the comment section below. I will definitely consider it. So guys, I'm ending this vlog here. I'm gonna see you in my next vlog. Till then, live life festive style. Bye bye.